अजय देवगन और रोहित शेट्टी जब भी साथ आते हैं तो या तो एक्शन होता है या फिर धमाकेदार कॉमेडी। अब देखना ये है कि पहले एक्शन होगा या फिर कॉमेडी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिंघम 3 और गोलमाल 5 की, तो आपको बताते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब आ जाइए वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शेट्टी इस वक्त सिम्बा की शूटिंग में व्यस्त हैं और उसी के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां पर करण जौहर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये पहली बार है कि करण जौहर और रोहित शेट्टी एक साथ कोई फिल्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं और करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है। अब आप बताते हैं कि पहले गोलमाल 5 आएगी या फिर सिंघम 3। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शेट्टी से पूछा गया कि आपका क्या कहना है कि पहले सिंघम 3 या फिर गोलमाल 5, तो उन्होंने कहा कि सिंघम 3 की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है और आपको ये अश्योर कर दूं कि पहले गोलमाल 5 आएगी और गोलमाल 5 के अंदर भी आप लोगों को वही किरदार नजर आने वाले हैं, गोपाल यानी कि अजय देवगन। और जहां पर अजय देवगन होते हैं वहां पर कॉमेडी अपने आप होने लगती है क्योंकि अजय देवगन अपनी एक्टिंग से हर किरदार को अच्छे से निभा सकते हैं और ऐसा ही कुछ इस वक्त अजय देवगन कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको किस फिल्म का इंतजार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा बॉलीवुड जंक्शन को क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको बॉलीवुड की हर खबर।